हेलो दोस्तों, मैं दिव्य शिखा एक बार फिर स्वागत करती हूँ योगग्राम की इस खास सीरीज में, जहाँ पार्ट वन में मैंने आपको बताया था यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, यहाँ के ट्रीटमेंट के बारे में। वहीं आज मैं बताऊंगी खास चीज। जी हाँ, लोग यहाँ आ तो जाते हैं लेकिन उनके दो दिन वेस्ट हो जाते हैं यहाँ के स्केड्यूल को समझने में, कब क्या हमें कैसे करना है या फिर एक दिन का क्या स्केड्यूल रहता है वो समझने में। लेकिन आपके लिए मैं हूं ना, मैं बताऊंगी आपको यहाँ का एक एक स्केड्यूल, यहाँ का ट्रीटमेंट का कब कितने बजे क्या करना है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और एक और चीज़, आने वाली वीडियो में मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी यहाँ के डाइट प्लान के बारे में, यहाँ पर कैसे यहाँ की बुकिंग की जाए क्योंकि फ्रॉड बहुत हो रहा है, यहाँ पर आना जाना बस क्या सबसे अच्छा कन्वीनियंट रहेगा आपको, ये सब मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। और मैं ये भी बताऊंगी कि कैसे मैंने अपना 17 kg लूज़ किया वेट। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो योगग्राम में हर किसी के दिन का स्केड्यूल उसके हेल्थ इश्यूज पर डिपेंड करता है, पर एक चीज जो कॉमन है वो है सबका सुबह 4 बजे उठना और अपनी थेरेपीज के लिए जाना। सुबह 4 बजे से यहाँ वॉशरूम के पास थेरेपीज शुरू हो जाती हैं, जैसे एनिमा, रबर नीति, जल नीति, आई वॉश। वैसे योगग्राम में रजिस्ट्रेशन के वक्त यहाँ के डॉक्टर हेल्थ सीकर का ट्रीटमेंट और डाइट चार्ट बनाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग ही हमें सारी थेरेपीज मिलती हैं। इसके बाद सुबह का योगा सेशन शुरू होता है, लेकिन उससे पहले डाइट प्लान के अकॉर्डिंग सबको अलग अलग मेडिकेटेड वाटर दिया जाता है। किसी को हनी लेमन वाटर मिलता है तो किसी को मेथी पानी। इसके बाद बारी आती है एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम की। यहाँ भी सबको हेल्थ इश्यूज के अकॉर्डिंग अलग अलग सेक्शंस में बांटा जाता है। किसी को डायबिटीज है तो पवन मुक्त आसन, शलभ आसन वगैरह करवाया जाता है। इसके साथ ही यज्ञ थेरेपी को इम्पोर्टेंस देते हुए भी यहाँ हवन होता रहता है, जिससे वाइब्रेशन के साथ साथ लोग अपने हेल्थ इश्यूज में भी इसका लाभ उठा सके। बाबा रामदेव के सजेशन और इन्फॉर्मेशन के साथ ही यहाँ की सुबह सुंदर और लाभकारी हो जाती है। फिर इसके बाद वहाँ के अनुभवी डॉक्टर में से कोई आकर किसी एक पर्टिकुलर डिजीज, डाइट या ट्रीटमेंट के बारे में चर्चा करते हैं। इसके बाद टाइम आ जाता है मिट्टी पट्टी का, जिसे आँखों और पेट में रखा जाता है। सुबह के योगा सेशन और मिट्टी पट्टी के बाद सब लोग पहुंच जाते हैं भोजनालय, और यहां पर भी हमें अपने डाइट चार्ट के अकॉर्डिंग जो भी डॉक्टर ने लिखा होता है उसी के अकॉर्डिंग हमें सुबह का नाश्ता मिलता है। किसी को फ्रूट्स मिलते हैं, किसी को स्प्राउट्स मिलते हैं, जैसा भी जिसकी डिजीज होती है या हेल्थ इश्यूज होते हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सुबह का ब्रेकफास्ट मिलता है। जो वहाँ पर वॉलंटियर होते हैं आपका डाइट चार्ट देखकर उसी के अकॉर्डिंग ही आपको ब्रेकफास्ट देते हैं। वैसे हम अपनी आने वाली वीडियो में भी वहाँ के डाइट प्लान के बारे में चर्चा करेंगे। ब्रेकफास्ट के बाद लोग निकल जाते हैं या तो अपनी कुटिया में अपना सामान लेने या फिर सीधा थेरेपी सेंटर में। नेचुरोपैथी सेंटर में हेल्थ सीकर के ट्रीटमेंट चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर थेरेपीज दी जाती हैं। जो भी आपको डॉक्टर ने बोला होता है, जिस भी प्रॉब्लम के लिए बोला होता है उसी अकॉर्डिंग थेरेपीज मिलती हैं। फुल बॉडी मसाज, स्टीम बाथ, सोना बाथ, ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं यहाँ पर जो कि माइंड के लिए और बॉडी के लिए दोनों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। थेरेपी लेने के बाद डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग लोग पंचकर्मा, एक्यूप्रेशर, यज्ञ थेरेपी, फिजियोथेरेपी, इन सब का भी यहाँ पर लाभ उठा सकते हैं। ये एडिशनल थेरेपीज लेने के बाद लोग अपनी कुटिया में जा सकते हैं, आराम कर सकते हैं, या फिर इसके बाद क्योंकि टाइम हो ही जाता है दोबारा भोजनालय जाने का, लंच करने का, तो जो जो डाइट चार्ट में डॉक्टर ने लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको खाना दिया जाता है। वैसे चाहे नेचुरोपैथी सेंटर हो या भोजनालय, हर जगह आपको डॉक्टर मिलते हैं, तो जब भी जो भी प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर उनसे डिस्कस कर सकते हैं, और डाइट में अगर कोई चेंज करवाना है तो वो भी वहाँ पर पॉसिबल है। थेरेपी के इवनिंग सेशन से पहले टाइम आता है रेस्ट करने का, तो इस वक्त कुटिया में लोग जाते हैं और वहाँ जाकर रेस्ट करते हैं। आधे घंटे के रेस्ट के बाद फिर टाइम हो जाता है दोबारा नेचुरोपैथी सेंटर जाने का। करीब 3:30 बजे लोगों का थेरेपी सेंटर में जाना शुरू हो जाता है। लोग थेरेपी सेंटर जाते हैं या फिर पंचकर्मा सेंटर, जैसा भी लोगों के ट्रीटमेंट चार्ट में लिखा होता है, जैसे भी उनका हेल्थ इश्यू होता है
उसके अकॉर्डिंग ही थेरेपीज दी जाती हैं। इवनिंग में भी सबकी थेरेपी ट्रीटमेंट चार्ट के अकॉर्डिंग होती है। किसी को काफ मसाज मिलती है, किसी को हॉट कोल्ड हिप बाथ, पोटली मसाज, ये सारी थेरेपीज मिलती हैं डाइट चार्ट के और ट्रीटमेंट चार्ट के अकॉर्डिंग। वैसे थेरेपी और भोजनालय के बीच में और जो भी टाइम मिलता है उसमें हम लोग बोटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी योग्राम में नर्सरी है, उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, खेतों में घूम सकते हैं, पूरा योग्राम घूमा जा सकता है। इसके बाद टाइम आ जाता है फिर से योगा रूम जाने का। योगा करने के बाद लोग डिनर के लिए भोजनालय जाते हैं और उसके बाद फाइनली फिर सोने चले जाते हैं अगले दिन के लिए। अगले दिन सुबह 4 बजे उठना, फिर उसके बाद थेरेपीज के लिए जाना, फिर उसके बाद भोजनालय जाना। तो ये जो पूरा सीक्वेंस है वो हर दिन रिपीट होता रहता है। थेरेपीज चेंज होती रहती हैं, डाइट चेंज होती रहती है, वहाँ पर डॉक्टर होते हैं। तो ये थी योगग्राम के पूरे एक दिन की वीडियो। आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ के डाइट चार्ट की, यहाँ का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो मिलते हैं अगले बुधवार शाम 5 बजे। जय हिंद।